नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी छाती में जमे बलगम और उसकी सूजन को दूर करने के कुछ घरेलू उपचार। दोस्तों, छाती में जमाव एक बहुत ही असुविधाजनक स्थिति है जो श्वसन तंत्र में बलगम के निर्माण के कारण होती है। बलगम का निर्माण आमतौर पर सर्दी, फ्लू, अस्थमा, निमोनिया और अन्य श्वसन पथ संक्रमणों का परिणाम हो सकता है। छाती में जमाव के लक्षण छाती में दर्द, घरघराहट, खांसी, गले के दर्द, निगलने में कठिनाई, चक्कर आना, अकड़ी हुई छाती और फेफड़ों में कफ शामिल है। हालांकि ज्यादातर लोग छाती में जमाव से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह और दवाई लेते हैं, लेकिन कुछ घरेलू उपचारों से भी छाती में जमाव के लक्षणों से राहत पाने में बहुत लाभ मिलता है। आज हम आपको छाती में जमाव के उपचार के कुछ आसान से घरेलू उपचार बताते हैं। नंबर एक, गर्म पानी। आपको छाती में जमाव के लिए एक कप गर्म पानी दिन में 2 से 3 बार पीना चाहिए। गर्म पानी आपके श्वसन मार्ग में जमे बलगम को हटाने में मदद करेगा और कुछ राहत भी प्रदान करेगा। नंबर दो, प्याज का रस और शहद। प्याज में सल्फर और केराटिन होते हैं जो बलगम के निर्माण को रोकने और छाती में जमाव और दर्द से राहत प्रदान करते हैं। इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो इन्फेक्शन के प्रसार को रोकने में मदद करते हैं। प्याज का एक टुकड़ा पीसकर इसका रस निकालें। प्याज के रस को चम्मच में लें और इसमें शहद की कुछ बूंदों को मिलाएं और 2 से 3 बार एक दिन में इसका उपयोग करें। नंबर तीन, गर्म पानी के गरारे। एक गिलास गर्म पानी लें और इसमें 1 चम्मच नमक मिलाएं। इससे 1 से 2 मिनट के लिए 3 से 4 बार गरारे करें। नमक पानी कफ को ढीला कर देगा और आपकी खांसी को शांत करेगा। यदि आपको लगता है कि कफ आपके गले में आ रही है तो इसे निगलने के बजाय बाहर थूकना बेहतर होता है। यदि आप कफ निगल लेते हैं तो कफ में जमा बैक्टीरिया और गंदगी हो सकती है जो आपके स्वस्थ होने की गति को धीमा कर देंगे। जब आप कफ को थूकते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप अपने आसपास के लोगों को अपनी बीमारी के कीटाणु फैलाने से बचाएं। नंबर चार, गर्म पानी के साथ शहद और नींबू का रस। शहद एक प्राकृतिक डीकंजेस्टेंट है और नींबू में मौजूद विटामिन सी आपकी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इस मिश्रण को गर्म पानी के साथ पीने से आपके गले और फेफड़ों में जीवाणु इन्फेक्शन का प्रसार रोकने में मदद मिलेगी और आपकी छाती में जमे बलगम को ढीला करने में भी काफी मदद होगी। एक गर्म गिलास पानी में नींबू के रस का 1 छोटा चम्मच और शहद का 1 छोटा चम्मच मिलाएं और इस मिश्रण को दिन में 2 से 3 बार पिए। नंबर पाँच, नीलगिरी तेल के साथ भाप। भाप में गहरी सांस लेने से आपको बंद नाक से राहत मिलेगी और आपकी छाती में जमाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदों को गर्म पानी में मिलाएं और भाप के रूप में इस्तेमाल से आपको बेहतर परिणाम मिलेगा, क्योंकि नीलगिरी के तेल में एनाल जैसे गुण और जीवाणुरोधी गुण होते हैं। गर्म पानी से स्नान करने और आपके फेफड़ों में गहराई से गर्म पानी की भाप लेना भी आवश्यक होता है। आप अपने वायु मार्ग को शुष्क होने से रोकने के लिए अपने कमरे में एक ह्यूमिडिफायर का उपयोग भी कर सकते हैं। नंबर छह, दूध के साथ हल्दी, शहद और काली मिर्च। दूध, हल्दी, शहद और काली मिर्च का मिश्रण ठंड के कारण होने वाले इन्फेक्शन और सीने की समस्याओं का इलाज कर सकता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और सूजन विरोधी गुण होते हैं। काली मिर्च हल्दी की जैव उपलब्धता बढ़ाने में मदद करती है, इसलिए यह एक अच्छा संयोजन बनाते हैं। इसके लिए आप 1 गिलास दूध उबाल लें, इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर और शहद की चम्मच मिला लें और इसे दिन में 2 से 3 बार पिए। नंबर सात, अदरक वाली चाय। अदरक आपके श्वसन पथ में सूजन को कम करने और जमी बलगम को कम करने में मदद करता है। आप कच्चे रूप में भी अदरक चबा सकते हैं या आप अदरक के कुछ टुकड़े पीस सकते हैं और इसे 10 मिनट के लिए पानी में उबालकर 2 से 3 बार ये उबला हुआ पानी पी सकते हैं। अच्छे परिणामों के लिए आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू उपचार छाती में जमे बलगम और सूजन को दूर करने के लिए। आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम आप तक ऐसी ही नई और बेहतरीन जानकारियां पहुंचा सके इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। यदि आप किसी खास विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।